हमारे पृथ्वी जैसी ही एक दुनिया है जहाँ का राजा है गुल्दान। गुल्दान हरे जादू का सबसे बड़ा जादूगर है, इसीलिए इस दुनिया के सारे कबीले उसके गुलाम हैं। हरे जादू की वजह से इस दुनिया के सभी कबीले बर्बाद हो चुके हैं और अब इस दुनिया के बचे खुचे लोग दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। गुल्दान दूसरी दुनिया के लोगों को अपने पास बंदी बनाकर रखता है क्योंकि इसका जादू इंसानी जानों के बदले में ही काम करता है। गुल्दान के पास एक रहम दिल गरुणा नाम की गुलाम भी है। आगे कहानी में गुल्दान सारे लोगों की आत्माएं खींच कर एक जादुई दरवाजा खोल देता है जिससे गुल्दान की आर्क आर्मी दूसरी दुनिया में जाने लगती है, लेकिन ये दरवाजा बीच में ही बंद हो जाता है क्योंकि आत्माओं की कमी हो जाती है। अब इसकी आधी आर्मी यहीं पर रह जाती है और फिर ये लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर कमांडर लूथर को जब ये खबर मिलती है कि ये लोग पृथ्वी पर आ चुके हैं तो वो रक्षक को बुलवाता है। जब रक्षक इनके पास आने लगता है तो आर्क आर्मी से उसका सामना हो जाता है। वो अपने जादू से आर्क आर्मी को भगा देता है लेकिन उसकी शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए वो वापस चला जाता है। यहाँ पर गुलाम गरुणा पकड़ी जाती है और उसे राजा के सामने पेश किया जाता है। तब राजा उससे मदद की गुहार लगाता है क्योंकि उसे पता था गरुड़ा दिल की बुरी नहीं है। अब गरुड़ा भी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। चूंकि गुल्दान के साथी हार गए थे इसीलिए वो उन्हें मरने का हुक्म देता है। तभी गुल्दान का साथी ड्यूरेटन अपने साथियों को बचा लेता है और वो गुल्दान से बोलता है, हमारी लड़ाई इंसानों से है, हम अपने ही साथियों को क्यों मारें। तब गुल्दान उससे कहता है, हमें और शक्तिशाली बनना है, इसीलिए हमें और इंसानों की जरूरत होगी, तुम सब जाओ और इंसानों को पकड़ कर लाओ। अब महल में जहाँ पर गरुणा कैद थी वहाँ पर रक्षक जाता है लेकिन तभी वहाँ पर रानी आ जाती है, इसीलिए रक्षक कौवा बनकर उड़ जाता है। जब रानी को गरुणा पर विश्वास हो जाता है तो वो उसे एक खंजर देती है और उससे बोलती है, ये खंजर तुम्हारी रक्षा करेगा। जब जादूगर खाटगर एक किताब को पढ़ता है तो उसे जादुई दरवाजे के बारे में बहुत सी अजीब बातें पता चलती हैं। उधर दूसरी तरफ गुल्दान के साथी ड्यूरटन और उसके कुछ लोग आपस में बातें करते हैं कि गुल्दान बहुत बुरा कर रहा है, वो बहुत बुरा आदमी है, हमें उसे मार देना चाहिए। तब उसके साथी कहते हैं, वो बहुत ताकतवर है, उसमें बहुत शक्तियाँ हैं, हम उसे नहीं मार सकते। अब ड्यूरटन फैसला करता है कि वो इंसानों के राजा से मिलेगा और राजा के साथ मिलकर वो गुल्दान को मार देगा। जब ड्यूरटन इंसानों के राजा से मिलता है और उनके साथ डील फाइनल कर देता है तब गुल्दान के छुपे हुए सैनिक इन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। तभी वहाँ पर रक्षक आ जाता है और वो एक जादुई दीवार बना देता है, लेकिन राजा का बेटा आर्क आर्मी के बीच में फंस जाता है, इसीलिए आर्क आर्मी उसे मार देती है। अब इधर रक्षक ज्यादा जादू प्रयोग करने की वजह से बेहोश हो जाता है। अब गरुणा और जादूगर उसके पास जाते हैं और उसे वहाँ से उठाकर महल ले जाते हैं और शक्ति पूल में लिटा देते हैं। अब एक ब्लैक हेड आता है और ड्यूरटन को किडनैप करके गुल्दान के पास ले जाता है। तब गुल्दान उससे खुश होकर बोलता है, अब तुम ड्यूरटन की जगह पर सरदार बनोगे और तुम्हें भी मैं वो शक्तियां दूंगा। अब जादूगर खाटघर एक पक्षी की मदद से जादुई महल में पहुंचता है जहां से सारे जादू को कंट्रोल किया जाता है। यहां पर जादूगर खाटघर को एक जादुई साया मिलता है जो कि उसे महल में दिख चुका था पहले। ये साया उससे बोलता है कि रक्षक अब बदल चुका है, बाकी का काम तुम्हें करना है। इधर रक्षक हरे जादू से उस पुल को भर देता है और अपने साथी की ही आत्मा खींच लेता है। इसके बाद वो राजा के पास पहुंच जाता है और उसे हमला करने की सलाह देता है, लेकिन यहाँ पर लूथर हमले के खिलाफ था। लेकिन राजा लूथर की बात नहीं मानता और लूथर को कैद करा देता है और आर्मी लेकर जंग के लिए निकल पड़ता है। इधर जादूगर खाटघर आता है और कैदखाने से लूथर को आज़ाद करा देता है और उसे रक्षक के बारे में सारी बातें बताता है और उसे अपने साथ लेकर रक्षक के महल में पहुंच जाता है। इधर ड्यूरटन का साथी ड्यूरटन को गुल्दान की कैद से आज़ाद करा लेता है। इसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि अब गुल्दान की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना है। अब ड्यूरटन गुल्दान के पास पहुंचता है और गुल्दान से लड़ाई करने लगता है। गुल्दान सबके सामने अपना जादू नहीं चलाना चाहता था क्योंकि इससे लोग बागी हो जाएंगे। उधर रक्षक अपने जादू से दूसरी दुनिया के दरवाजे में हलचल पैदा कर देता है। अब गुल्दान दरवाजा खोलने की जल्दबाजी में ड्यूरटन पर हमला करके उसकी आत्मा खींच लेता है। इसके बाद उसके लोग बगावत शुरू कर देते हैं लेकिन गुल्दान जादू से सब संभाल लेता है। उधर दूसरी तरफ राजा की सेना उन पर हमला कर देती है। इधर युद्ध हो रहा था, उधर गुल्दान आत्माओं को फिर से खींच लेता है और जादुई दरवाजे को खोल देता है जिससे उसकी बची हुई आर्क आर्मी वापस से दूसरी दुनिया में जाने लगती है। इधर वो दोनों जादूगर रक्षक को उसके पुतले के नीचे दबा देते हैं जिससे उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, जिससे जादुई दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। जादूगर लूथर पक्षी पर बैठकर वहां से जंग के मैदान के लिए निकल पड़ता है। रक्षक वहां पर पहुंच जाता है और एक और जादुई दरवाजा बनाता है जिसके बाद रक्षक वहीं पर मर जाता है, लेकिन इंसानों का राजा आर्क आर्मी के बीच में फंस जाता है। अब राजा गरुणा से बोलता है, गरुणा तुम मुझे मार दो क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर जो राजा को मारता है वही राजा बनता है और तुम राजा बन गई तो इंसानों और आर्क आर्मी के बीच युद्ध रोक दोगी। अब गरुणा इंसानों के राजा को मार देती है इसीलिए ड्यूरटन आर्मी उसे अपनी रानी मान लेता है। इसी के साथ दुनिया से युद्ध खत्म हो जाता है और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है।